दोस्तों, आपको रानू और हिमेश का यह गाना कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं आपको रानू मंडल का कौन सा गाना अभी तक सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो हिमेश जी ने मुझे गाने का मौका दिया फिल्म में। Very good. चला गया, मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था 16 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी सलमान भाई के साथ फिल्म बना रहे थे उस वक्त। वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन सलमान भाई ने कुछ गाने सुने थे मेरे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिल्म में ब्रेक दूंगा। मैं अपनी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहा था जो बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी, 7-8 बड़ी सीरियल्स मैंने बनाई उस ज़माने में 16 साल की उम्र में, अंदाज, अमर प्रेम, निर्मा, जान, दम दमादम, आशिकी, आंगन। तो उसके बाद यूँ हुआ कि सलमान भाई ने मुझे म्यूज़िक के लिए प्यार किया तो डरना क्या में ब्रेक दिया, और वो जो गाना हिट हुआ उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं बहुत आभारी हूँ सलमान भाई का, खान परिवार का, कि वो ब्रेक हुआ और उसके बाद म्यूज़िक की मेरी जर्नी जो शुरू हुई, वरना शायद मैं इतना स्ट्रगल करने जाता नहीं, क्योंकि सीरियल प्रोड्यूसर, एज अ सीरियल प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश हो चुका था। तो प्यार किया तो डरना क्या से लेकर फिर आज 650 हिट गाने हो गए, 120 फिल्में हो गई, 100वीं फिल्म टी सीरीज़ के साथ है, 10वीं फिल्म एज एन एक्टर हुई है। तो बहुत कई जो जितने भी ज़िंदगी के पड़ाव थे, पहले गाना एज ए कंपोज़र, पहला गाना आशिक बना एज ए सिंगर, और आपका सुरूर मूवी या एल्बम, आपका सुरूर या रियलिटी शो, सारे पहले जो पड़ाव थे वो सब हिट रहे। तो आगे और बहुत काम मिला, और वो काम को निभाने के लिए जितना हो सके कड़ी मेहनत, कोशिश की।